पॉल्यूशन, कचरा, लोगों का नदियों पर ठीक से ध्यान ना देना, इन रीजंस को मेजर कल्प्रिट माना जाता है देश में नदियों के कलर का अजीब होने के पीछे। कहीं पर ग्रीन, कहीं पर ब्राउन, कहीं पर येलो, इस तरीके की नदियां हमारे यहाँ पर नजर आती है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। सिर्फ पॉल्यूशन या फिर कचरे की वजह से देश की नदियां अपना कलर खराब नहीं करती, लेकिन इसके पीछे कई सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर बात नहीं की जाती। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों इंडिया की ज्यादातर नदियां मड़ी या फिर ब्राउन येलो कलर की नजर आती है, इसके पीछे के रीजंस हम देखेंगे। सिर्फ पॉल्यूशन ही नदियों के कलर को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सोचना गलत है। रिवर्स के मड़ी या ब्राउन होने के पीछे कई रीजंस होते हैं जिन्हें हम दो पार्ट में यहां पर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बात करें प्राइमरी रीजन की तो उसके अंदर कई जो फैक्टर्स है उसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। पहला फैक्टर है मिनरल्स। हमारे देश के अंदर की कई सारी बड़ी नदियां हिमालय से बहकर नीचे डाउनस्ट्रीम में बहती है और अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को काटते हुए ही आती है। इन चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस के रूप में नदी के पानी में डिजॉल्व होते हैं, वहाँ का एक हिस्सा बन जाते हैं। और इन मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन्स में मिलते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इन मिनरल्स की वजह से भी नदी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जो हम यूरोप के अंदर की नदियाँ देखते हैं, हम कुछ दूसरे देशों के अंदर की नदियाँ देखते हैं, उनके अंदर जिन पहाड़ों से नदी आती है वो हिमालय की तरह प्योर चट्टानों से बनी हुई नदियाँ नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़े ग्लेशियर्स में से निकली हुई नदियाँ भी नहीं है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नदियों के अंदर इन मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा रीजन है सोइल्स में ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स का फॉर्म होना, जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट में कार्बन स्टोर होता है और जब ये नदियों के अंदर मिलता है तब कार्बन जो है नदी के अंदर डिजॉल्व होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ब्राउनिश या येलोइश दिखने लगता है। थर्ड जो फैक्टर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल बनता है जो है सेडिमेंट्स का डिपॉजिट और रन ऑफ। मानसून के टाइम पे देश के अंदर हैवी स्टॉर्म्स, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर रेन होता है, जिसकी वजह से कई सारी नदियां मिट्टी का कटाव करने लगती है और इसके वजह से मिट्टी सहित ग्रेवल, ऑर्गेनिक मटेरियल, काफी सारा मलबा आकर मिल जाता है और इसके वजह से रिवर्स का कलर व्हाइट मडी होने लगता है, ब्राउन की तरफ वो बढ़ने लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कम समय में बहुत बड़े स्केल पर नदियों के अंदर मिल जाती है। इन सेडिमेंट्स के रन ऑफ के कारण नदी के अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन इनकी भी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और इसके कारण एल्गी भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। एल्गी का कारण रिवर्स का कलर्स भी चेंज होने लगता है और कई बार इसकी वजह से जो रिवर्स का कलर है वो ग्रीनिश नजर आने लगता है और कभी कभी रेड भी। चलिए अब सेकेंड रीजन के बारे में जानते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा रीजन है एल्गी ब्लूम होना। एल्गी ब्लूम के कारण ना सिर्फ सेडिमेंट्स और रन ऑफ होता है बल्कि ये पॉल्यूशन की वजह से भी होते हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले पोअरली ट्रीटेड और अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट वाटर जब नदी में बहा दिए जाते हैं, इन वेस्ट में ज्यादातर लेड, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जिनके वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ती है और एल्गी ब्लूम होता है। और सेकेंडरी रीजंस के अंदर एक और दूसरे बड़े फैक्टर की बात करें तो वो है एसिड रेन। हम सबको पता है कि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसके वजह से ही एसिड रेन होता है और जब ये नदी में मिलता है तब भी वो मिनरल बैलेंस खराब करके नदियों का कलर रेड कर देता है। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊं तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहने वाली वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट नदी मिसिसिपी का नाम आपने सुना ही होगा और इस नदी का कलर भी ब्राउन है और रिसर्चर्स ने माना है इसके ब्राउन होने के पीछे मेजर रीजन जो है वो सेडिमेंट, क्ले, सैंड एक्सेट्रा है और पॉल्यूशन की वजह से इसका कलर चेंज होना। लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी एक बड़ा रीजन बनता है इसके ब्राउन कलर होने का। वैसे हमारे देश के अंदर की नदियां मड़ी या ब्राउन या येलो होने की वजह से नेचुरल फैक्टर्स को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्टर्स इंसानों के द्वारा जनरेट हो रहे हैं उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। रॉस पेट्रॉक जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उन्होंने कहा था द एक्टिविस्ट इज नॉट अ मैन हु सेज द रिवर इज डर्टी, द एक्टिविस्ट इज द मैन हु क्लीन अप द रिवर। यानी कि एक्टिविस्ट वो नहीं है जो कहता है कि नदी गंदी है, बल्कि एक्टिविस्ट वो है जो नदी साफ करता है। एंड में एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये सारे फैक्टर्स नदी के कलर चेंज करने के लिए मेजर रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन को इसकी वजह से हम इग्नोर कर सकते हैं ये बात सच नहीं है। वीडियो के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।